लेट लती हुई इंसान चंदन भैया बाकी उठाने अभी हमने देखे इनकी शक्ल देख अभी हम पहुंच चुके हैं कानिया में अब पहुंच चुके हैं सावलदे हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आज हम एक और ब्लॉग बनाने जा रहे हैं जिसमें अभी हम जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने के लिए और मॉर्निंग वॉक में फ़िलहाल अभी हम चल दिए साइकिल से तो अभी लोकेशन हमने साइकिल निकाल दी है बाकी बारी है मेरी तो मैं भी अपनी साइकिल निकालता हूँ फिर चलते हैं हम घूमने के लिए जा रहे हैं चंदन भैया को लेने के लिए अपनी जो है टीम अभी हम बनानी शुरू कर दी है हमने टीम में अभी 3-4 लोग हमने बना लिए हैं बाकी अभी हम उस ग्रुप को भी और बड़ा करने वाले हैं बाकी अभी मिलते हैं पूरे व्लॉग में दोस्तों घर से निकल चुके हैं बाकी लोकेशन जो है काफ़ी आगे चल रहा है अभी हम जा रहे हैं चंदन भैया को लेने के लिए और देखते हैं आज कौन कौन आता है सोनू भाई मना कर रहे थे आज आने के लिए फिर भी फ़ोन किया है हमने क्या पता आ जाए बाकी 3 जने अभी हम है ही जाने वाले हैं अभी हमने रूट डिसाइड नहीं किया है जाते जाते देखते हैं कि आज कहाँ जाता है अभी हम पहुँच चुके हैं सबसे ज़्यादा लेट लतीफ इंसान के पास जो है चंदन भैया उनको बुला रहे हैं घर से क्योंकि हमने 6 बजे उन्हें फ़ोन कर दिया था सुबह और अभी बज रहा है 6:30 आधा घंटा है सिर्फ तैयार होने में लगाते हैं तो अभी बोल दिया है आने वाले होंगे बाहर जो है सबसे लेट लतीफ इंसान हमारे चंदन भैया जो कि जूनियर NTR की तरह लगते हैं बाकी उठाने अभी हमने देखा इनकी शक्ल देख के पता चल रहा है उठाने ही आए हम इन्हें उठा के लेके आए तो अभी हम रूट डिसाइड कर रहे हैं तो कहाँ जाने वाले हम तो आज हम जाते हैं देखो ढीला जाते हैं जितना हम जा पाते हैं उतना देखते हैं बाकी अभी लक्की गया है साइकिल लेने मेरी साइकिल का ट्रायल लेने उसके बाद मिलते हैं पूरे ब्लॉग में अभी हम चल दिए हैं कोटद्वार रोड से ढेला की ओर बाकी साथ में हमारे चंदन भैया ओल्ड इज गोल्ड का नारा देते हुए क्योंकि लक्की ने जो है आने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने बोल दिया भाई मेरे पैरों में हो रहा दर्द और मैं इतना सर्वाइव नहीं कर सकता इतनी दूर तक का तो हम लोग चल दिए हैं और ये जो है पूरा जंगल ये कॉर्बेट का जंगल है इसलिए पूरी तार बार की है इसमें और सोलर फेंसिंग वगैरह लगाई है एक बार यहाँ पे टाइगर आ गया था इस रूट पे लोगों ने अपनी छतों पे से देखा था और अभी जाते हैं बाकी मिलते हैं आगे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जाते रहेंगे अच्छे अच्छे शॉट मिलेंगे तो वो दिखाएंगे आप लोग तो हम पहुंच चुके हैं इस समय गोजानी और जो कि रामनगर से करीब 4-5 किलोमीटर बैठता है तो हम लोग 4-5 किलोमीटर करके आ चुके हैं अपनी राइड को और बाकी अभी और आगे जाते हैं इसके बाद आएगा कानिया जब और राइडर्स जुड़ जाएंगे तो काफ़ी दूर दूर जाएंगे क्योंकि अभी 2 लोग हैं तो होश भी नहीं आता उतना जाने का और ज़्यादा लोग होते हैं तो काफ़ी मन भी करता है आगे जाने के लिए तो देखते हैं और कितना आगे जाते हैं वैसे हम सोच रहे हैं कि सावलदे के पुल तक जाया जाए उसके बाद करते हैं वापसी अभी देखो क्या होता है आगे जाके पहुँच चुके हैं कानिया में काफ़ी जल्दी जल्दी हम कर ले रहे हैं कवर अच्छा लग रहा है काफ़ी ऐसे तो मन कर रहा है कि झिरना ही चले जाओ 10 किलोमीटर बचा है यहाँ से ढेला बचा है यहाँ से 10 किलोमीटर और लोग अभी मॉर्निंग वॉक करने आए हैं अच्छा एरिया है यहाँ का शांत क्या कहेंगे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं देखिए हम
लगातार चलते चलते अब पहुंच चुके हैं सांवलदे, और सांवलदे में आ चुका है सांवलदे का पुल, पहुंचने वाले हैं पुल पर। बुड्ढन से ही पूछ लेते हैं, ये बस उतने टाइम आगे जा रहे हैं जितने टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाकी टाइम में पीछे ही है। पुल से दिखाते हैं अभी ऊपर के नज़ारे सुबह के, दोपहर में तो आप लोगों ने कई बार देखा है मेरे ब्लॉग में। रुक चुके हम, ये आ चुके चंदन भैया दोस्तों। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सांवलदे के पुल पर, और जो है चंदन भैया की जो है हिम्मत ने जवाब दे दिया है, वो कह रहे हैं कि भैया मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ और काम भी हैं और मुझे थकान भी लग चुकी है, तो एक बार बात कर लेते हैं चंदन भैया से। हाँ चले, वापसी बुला रहे हैं, देख रहे हो आप, आपने सुन लिया था वापसी बुला रहे हैं, तो चलो वापसी चलते हैं, कोई बात नहीं, कल बनाते हैं बढ़िया वाला ब्लॉग और दूर तक जाते हैं।